हाय फ्रेंड्स, मैं साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर जो अपन एंटीबायोटिक से रिलेटेड सीरीज में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, उसी सीरीज में आज जो अपन वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस एंड उसके लिए हम कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो सर्जिकल पेशेंट होते हैं उनके अंदर इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं और इनको ट्रीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और इनको ट्रीट करने से अगर ट्रीट नहीं करें तो पेशेंट को बहुत ही सीवियर सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाता है और पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए कौन सी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है उसके बारे में आज अपन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शंस, ये काफ़ी जो कॉमन इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन है दोस्तों, वो ये कोलेंजाइटिस पेशेंट को हो सकता है, कोलीसिस्टाइटिस हो सकता है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है या सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल परफोरेशन हो सकता है या पोस्ट नेक्रोटाइजिंग पेनक्रिएटाइटिस लाइक इन्फेक्टेड स्यूडोसिस्ट पेनक्रिएटिक एब्सिस हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो इसमें आपको याद रखनी है, ये जितने भी इन्फेक्शन है मेनली कौन से बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स या ग्राम नेगेटिव बैसिलाई की वजह से होते हैं, जिसमें भी मोस्ट कॉमन कौन से ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, इसमें एंटेरोबैक्टीरियसी लाइक इकोलाई क्लेबसेला प्रोटियस, ये दोस्तों जो इन्फेक्शन है इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन, ये जो बैक्टीरिया इकोलाई क्लेबसेला प्रोटियस ये मेनली इनको करते हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स। तो दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर हम इनका ट्रीटमेंट करना चाहें तो हम ऐसे एंटीबायोटिक देंगे जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई पे काम करें। तो इसमें मैंने आपको इस सीरीज में मैंने बता रखा है, तो ग्राम नेगेटिव के लिए सबसे पहले जो सिफेलोस्पोरिन है, मैं इस चीज को बार बार बता चुका हूँ, जो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है वो मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी जनरेशन बढ़ती जाती है लाइक थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, अगर एंटेरोबैक्टीरियसी या अपने को इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है तो अपने को थर्ड या फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, तो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, या दूसरा जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर वर्क करते हैं। तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स में ये दो एंटीबायोटिक हो गए। तो अब देखेंगे दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी या कोई भी इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है दोस्तों, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन लाइक सेफ्ट्रिएक्सोन 2 ग्राम आईवी ओडी दे सकते हैं या 1 ग्राम बीडी दे सकते हैं दोस्तों, या सेफोपेराजोन साल्वेक्टम ये भी दोस्तों दे सकते हैं अपन। फ्लोरोक्विनोलॉन्स अगर देना है तो दोस्तों सिप्रोफ्लोक्सासिन या मॉक्सीफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, अगर पेशेंट के जीआई इन्फेक्शन है, यूटीआई है और आपको लग रहा है कि इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सस्पेक्ट आप कर रहे हो तो सिप्रो बेटर है फॉर जीआई एंड यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, और अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लग रहा है दोस्तों आपको तो उसको मॉक्सीफ्लोक्सासिन देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब क्या जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो एंटेरोबैक्टीरियसी के हैं ये मेनली फ्लोरोक्विनोन से रेजिस्टेंट इनमें डेवलप होता जा रहा है, तो अपने को और हायर एंटीबायोटिक दोस्तों इसमें यूज करने हैं। वो हायर एंटीबायोटिक कौन से हैं, इसमें अगर पेशेंट को अगर इन से आराम नहीं आता है तो अपन नेक्स्ट जो जाएंगे वो है अपग्रेड टू पिपेरासिलिन टेजोबैक्टम। तो पेशेंट अगर मान लो उससे रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो अपने को पिपेरासिलिन टेजोबैक्टम 4.5 ग्राम आईवी 8 आरली यूज करना है। अगर पेशेंट का ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो दोस्तों अपने को नेक्स्ट अपग्रेड करना है मेरोपेनेम पे, मेरोपेनेम 1 ग्राम आईवी 8 आरली देना है, और या फिर इमीपेनेम क्लास्टिटिन 500 मिलीग्राम आईवी 6 आरली अपन दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है दोस्तों इसमें एनारोबिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये जो इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन है इसमें एनारोबिक इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों जो सर्जिकल पेशेंट होते हैं, तो उनमें एक मेट्रोजिल 400 मिलीग्राम 8 आरली आईवी भी देना चाहिए, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर अपन उसका ग्राम नेगेटिव और एनारोबिक दोनों कवरेज कर देते हैं दोस्तों तो पेशेंट का जितना भी इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी कवर करता है, क्योंकि अगर कई बार जो अपन ग्राम नेगेटिव के साथ साथ पेशेंट को एनारोबिक इन्फेक्शन भी हो जाता है जो सर्जिकल पेशेंट होते हैं।
टू कवर यीस्ट। अगर आपको लग रहा है पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज है और बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये सारा एमीपेनेम पिपेरासिलिन टेजोवेक्टम और साथ में मेट्रोजिल देने से भी पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको सोचना चाहिए कहीं इसको यीस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको कहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आपको ऐसा सस्पेक्शन लग रहा है तो दोस्तों आप उसको फ्लूकोनाजोल देना है, आईवी फ्लूकोनाजोल देना है, 800 मिलीग्राम लोडिंग डोज ऑन डे वन देनी है, उसके बाद देन फॉलोड बाय 400 मिलीग्राम सेकेंड डे ऑनवर्ड उस पेशेंट को देना है। दोस्तों अगर पेशेंट को लग रहा है कि एंटेरोबैक्टीरियोसिस की बजाय एंटेरोकोकस है तो पेशेंट को आप वेंकोमाइसिन या टीकोप्लेनिन इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन का जब भी आपका कोई केस आता है तो सबसे पहले उसको आपको सोचना है कि इसमें मोस्ट कॉमनली कॉज है ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। ग्राम नेगेटिव में थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन फ्लोरोक्विनोलोन्स देने, अगर उससे पेशेंट रिकवर नहीं करता है तो थोड़े हायर में अगर जाएंगे तो अपन पिपेरासिलिन टेजोवेक्टम देना है, उससे ठीक नहीं होता है तो मेरोपेनेम देना है। फिर आपको सोचना है कि पेशेंट को एनारोबिक इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर आपको सस्पेक्शन है कि वह सस्पिशन है कि पेशेंट को एनारोबिक इन्फेक्शन हो सकता है तो दोस्तों मेट्रोनिडाजोल ऐड करनी है, फिर भी पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज है तो पेशेंट को आप साथ में फंगल कवर करने के लिए आईवी फ्लूकोनाजोल दे सकते हैं। अगर पेशेंट दोस्तों इंट्रा एब्डोमिनल एब्सिस हो गया है उसको तो उसमें सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है और एनारोबिक हो सकता है, तो आपको ऐसी एंटीबायोटिक चूज करनी है या ऐसा एंटीबायोटिक देना जो इन तीनों में कवर करे। तो ग्राम पॉजिटिव को कवर करने के लिए हैवी एंटीबायोटिक जो अपना मेरोपेनेम है, और अगर ग्राम नेगेटिव है तो टीकोप्लेनिन है, और एनारोबिक है तो मेट्रोनिडाजोल। तो ये तीनों एंटीबायोटिक दोस्तों अगर पेशेंट को इंट्रा एब्डोमिनल एब्सिस है तो आप दे सकते हैं तो पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।